फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे एपीडीएल के ऊपर है, एनसीएस एपीडीएल के ऊपर है। तो जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आज आपका रेस करने वाला है एक्सिस सिमेट्री के ऊपर। एक्सिस सिमेट्री बेसिकली होता क्या है? एक्सिस सिमेट्री होता है जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होती है ना, तो उसमें आप एक्सिस सिमेट्री में काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे पाइप हो गया है ना, ट्यूब हो गया, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एक्सिस सिमेट्री में काम होता है। तो एक्सिस सिमेट्री में काम करने के लिए आपको इस तरीके से आपको एक्सरसाइज वगैरह करना आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो मेरा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन एक्सिस सिमेट्री। सबसे पहले आपको ये देखना है जो क्वेश्चंस होगा, अगर कहीं पे एक्सिस सिमेट्री लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि मेरा जो एक्सरसाइज है वो एक्सिस सिमेट्री के ऊपर बनने वाला है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सरसाइज है वो किसमें बनेंगे? एक्सिस सिमेट्री में बनेंगे। ठीक है, एक्सिस सिमेट्री के क्लोज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर यहाँ पे क्लोज लिख रहा है। क्लोज मतलब ये क्लोज है। ठीक है, वो ओपन नहीं है ये कहीं से, तो ये क्लोज है। ठीक है, अगर ओपन सिलेंडर होगा तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से सिलेंडर जो है ओपन होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको एक तरफ से जो है फिक्स सपोर्ट लगाना होता है। ठीक है, एक तरफ से फिक्स सपोर्ट लगाना होता है। अगर यह क्लोज है तो हम दोनों साइड से फिक्स सपोर्ट लगाएंगे। अब फिक्स सपोर्ट यहाँ पे मतलब फिक्स सपोर्ट कैसे लगाते हैं, है ना? फिक्स सपोर्ट नहीं होता है बेसिकली, वो एक्सिस सिमेट्रिकल सपोर्ट होता है। वो आपको ओपन होगा तो आपको एक तरीके से लगाना है, जहां इस तरह ओपन होगा तो इस साइड लगाना पड़ेगा सेंटर में आपको। ठीक है, ये मैं पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाद में अगर आपको क्वेश्चंस में आ गए तो आपने या क्वेश्चंस देखे कहीं इंटरव्यू में आपको लिखने के लिए बोले तो आपको वो चीजें पता होना चाहिए, बाद में वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन और क्लोज में डिफरेंस समझ गया, एक्सिस सिमेट्री में डिफरेंस आपने समझ गया। तो दो पहला क्वेश्चन है जो आपको ये नाम देख के ही आपको दिमाग में ये उठाना है कि एक्सिस सिमेट्री है, क्लोज है कि ओपन है, ये देखना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं इंटरनल प्रेशर। ठीक है, सिलेंडर है, एक्सिस सिमेट्री क्लोज सिलेंडर है। ठीक है, क्लोज सिलेंडर हमने बना लिया है। इंटरनल प्रेशर क्या है? अंदर जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, इस दीवार में जो प्रेशर बन जा रहा है, यहाँ पे जो अंदर इंटरनल प्रेशर बन रहा है 1 MPa। ठीक है, 1 MPa का आपका प्रेशर बन रहा है। अब यहाँ पे यंग मॉडुलस क्या है? 200 GPa है। 200 GPa मतलब आपका इसमें और कितना आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा 2E7 आ जाएगा, है ना? ठीक है, पॉइजन रेशियो 0.033 है। ठीक है, पॉइजन रेशियो 0.33 समथिंग ही आती है। कैलकुलेट द एक्सिस स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस पूछ रहा है, एक्सिस स्ट्रेस इस सिलिंड्रिकल वॉल, मतलब यहाँ जो वॉल है ना, यहाँ जो वॉल है सिलिंड्रिकल वॉल जो है, इसमें क्या स्ट्रेस पड़ रहा है? अब एक्सेली लगेगा प्रेशर, प्रेशर कैसे लगेगा? एक्सेली लगेगा तो एक्सेस पूछेंगे, एक्सेस स्ट्रेस एक्सेली लग रहा है यहाँ प्रेशर, है ना? यहाँ पे एक्सेली प्रेशर लग रहा है, तो एक्सेस स्ट्रेस यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ इसकी जो है एक्सिस स्ट्रेस क्या है, इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत कुछ हिडन पॉइंट्स होता है, हिडन वर्ड होता है, जिसके थ्रू आधा अपने 50% सॉल्व कर ही लेते हो। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कैसा है, जब मैं कर रहा था ना ऐसे इस टाइप का, जो पहले का टाइम है 2016-15 में जो मैं सभी सब कर रहा था, तो हम लोग का ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते थे, तो उसको देख के अपना सारा सीरियस सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, ओपन होगा तो एक साइड से ओपन कर देना, क्लोज होगा वो साइड से क्लोज कर देना। ठीक है, ये देखना है एक्सिस सिमेट्री वर्ड, ये ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट आपको जो है याद रखना है, और प्रेशर कितना है वो निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये भी सिलिंड्रिकल साइज दे रखा है, ये क्वेश्चन में इतना दे रखा होंगे आपको। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ आपको ईजी हो जाए, इसलिए मैं लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन पे भी दे देते ये कि इतना सेम क्या है, इंटरनल इतना साइज का है, या क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको, या डायग्राम बना के मिलेंगे। क्वेश्चंस में मिलता है ज्यादातर, क्योंकि बना के देते हैं तो बहुत लोग इजीली समझ जाते हैं, थोड़ा टिपिकल कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से मिलेंगे आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। अगर आप एनसीएस में काम करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइजन रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे जो है 10 cm, यहाँ पे सेंटीमीटर में देते हैं, एमएम में नहीं देते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी आप वैल्यू डालोगे ना इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 cm है मतलब 100 mm हो गया, यहाँ पे 70 mm हो गया, मतलब इस दीवार से इस दीवार का 70 mm है, इस दीवार से इस दीवार का 100 mm है। ठीक है, यहाँ पे 25 मतलब 250 mm है, इस फेस से इस फेस का 250 mm है, और इस फेस से इस फेस को 300 mm है, मतलब ये दीवार कितने का होगी? 25 mm का होगा, ये कितने का होगा? 25 mm का होगा। ठीक है, 25 नहीं, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा ना, नहीं 25 50 हो जाएगा, 25 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 70 और 30 का, तो ये दीवार हो जाएगा 15 का। ठीक है, फिर 15 mm हो गए। बाकी यहाँ पे देखो मैंने पी इसमें हाईलाइट कर दिया है कि ऐसे प्रेशर लग रहा है ना, एक्सेली प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक्सिस सिमेट्री में आते हैं, तो एक्सिस सिमेट्री में आपको करना क्या पड़ेगा, देखो एक्सिस सिमेट्री पहले इसको आपको निकालना पड़ेगा। एक्सिस सिमेट्री होता क्या है,
रिवॉल्व हो जाता है एक तरीके से, या आधा बन के ये घूम जाता है, रिवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूरा बनाने का आपको जरूरत नहीं पड़ता, आधा बना के हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया, बस इसे इतना ही तो सेम रहेगा। तो इस दीवार जैसे मैंने आपको बोला 25 है, ये कितना हो जाएगा, 250 mm हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 25 mm हो जाएगा, ये 35 mm हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 mm है, ये 70 mm है, 35 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करा, ये बाद में मेरे को अलग अलग से कैलकुलेशन जब निकालना पड़ेगा ना, तो वो गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो इसको मैं पहले ही सिंप्लीफाई कर रखा हूँ, ये भी आपको करना ही पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले इसको निकाल लेना, ये बाद में निकालने जाओगे गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको मिल जाएंगे 25 से 30 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा होंगे, लेकिन आपको 25 से 30 मिनट आपको एक क्वेश्चन करने का टाइम मिलेंगे। ऐसे आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे एपीरियल के ऊपर, एक आपको बीम के ऊपर आएंगे क्वेश्चन, एक आपको एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आएंगे, अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे, अगर कोई बंदा एपीरियल यूज करता है तो ऐसा सबको क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। और कब आपको अपने फाइल के ऊपर भी नाम लिखना पड़ता है, जो आपने फाइल बनाया है ना, जब से आपने 3 लोग इंटरव्यू दे रखा है, बोलेंगे आपकी जो फाइल होगा उसमें नाम लिख दो और सेव करना है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बताऊंगा वीडियो में मैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा 00 होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब 1 पॉइंट का इसका लोकेशन कैसा है, 1 पॉइंट का होगा 00, यहाँ से इधर जाऊंगा तो 50 mm जाना पड़ेगा, तो कितना होगा 2 50, एक्स जो है कितना है 50 mm जाएगा, वाई कितना है 0 में ही है, ऊपर ऊपर नहीं गया तो वाई 0। थर्ड पॉइंट कितना होगा 50, इधर गया 50 mm ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 300 mm, 50 बाई 300 mm। फोर में आते हैं, फोर कितना होगा, वाई क्या है, एक्स 0 है, एक्स में हम 0 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन वाई में 300 होगा, ठीक है, वाई 300, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं 5 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या होगा, ऊपर जाएगा कितना mm जाएगा 25 mm, तो कितना हो जाएगा वाई 5 नंबर जो है, एक्स कितना होगा 0, वाई कितना होगा 25 mm, ठीक है। सिक्स कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है 35 mm, 35 mm इंटू 25 mm, 25 mm ये डिस्टेंस है, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। सेवन में आता है, सेवन कितना है आपका, देखो यहाँ पे 250 mm है और प्लस इधर इतना है, ठीक है, तो 75 हो गया, और कितना mm गया है 25 mm, 35 mm, 35 mm ये डिस्टेंस है, 35 mm उधर चला गया, तो कितना हो गया 75 हो गया। 8 नंबर में कितना है, 8 नंबर आपका 0 होगा, क्योंकि वो आपका जो एक से एक ही लाइन पे है, सेंस नहीं हुआ है, एक जो है 0 हो जाएगा, और वाई जो होगा 275 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई कितना हो गया आपका 275। अब याद रह जाएगा कैसे कैसे करा मैंने, सबसे पहले इसकी लोकेशन निकाल लेना, नंबरिंग कर लेना पॉइंटों की, पॉइंटों के नंबरिंग कर लेना, ठीक है। अब जब बनाते हो, हम ऐसे बनाते हैं ना, आप ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे करके भी बना सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मैंने इसको इसकी तरह बनाया, मैंने अगर इसको ऐसे ऐसे बनाता ना, तो मैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ऐसे करके ऊपर तक दे दूंगा मैं, तो ऐसे करके भी बना सकता था, लेकिन मैं पॉइंट जो होगा कितना पॉइंट है पॉइंट टू को निकाल लेना, जितना जितना पॉइंट है, जैसे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, तो आपको 8 पॉइंट निकाल लेना है, और 8 पॉइंट का जो पॉइंट को का वैल्यू है, मतलब उस पॉइंट कितना डिस्टेंस है, इसको अगर मैं 0 0 मानता हूँ तो ये कितने में है, ये वाला कितना है, 7 नंबर वाला पॉइंट कितना है, इसको लिख के पहले निकाल लेना, अगर लिख के नहीं निकाल लोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको जब बनाओगे। सबसे पहले इसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही सारा चीजें बनाओगे। अब आपको इस वीडियो में और क्या पता चलेंगे, सिमेट्री में कैसे होता है, इसकी मैशिंग कैसे करना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीजें भी पता लगेगा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड में बनता है ना, ये सॉलिड में बनेगा, तो सॉलिड में बनेगा तो इसको मैशिंग देना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, तो उस तरीके से सारा चीजें आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सारा निकाल लो, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें है एक बार पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, डायग्राम नहीं है तो साइड में डायग्राम बना लेना, ठीक है, डायग्राम भी देखते हैं, जब आप करते हो ना साइड में डायग्राम बना के देते हो ना, वो भी चीजें देखते हैं, ठीक है, थीके? और एनसीएस अगर सही से करते हो ना तो बहुत कुछ चीजें आगे फायदा मिल जाता है, अगर फायदा मिल, मतलब ऐसे ऐसे कंपनी होते हैं ना जो एनालिसिस में जॉब करते हैं ना, उसको इसकी सैलरी ज्यादा होता है डिजाइनर से, जो डिजाइनर होती है ना उसकी सैलरी ज्यादा होता है। अगर आप, मैं बता देता हूँ, अगर आप डिजाइन में काम कर रहे हो प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर, मुंजाल कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे भी एनसीएस यूज होता है, एबाकस यूज होता है, ठीक है, ये सब चीजें यूज होता है, तो वहाँ पे भी अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, बहुत बहुत बढ़िया कंपनी है, वहाँ पे भी R&D सेंटर है, वहाँ पे जो है आपको इस तरीके से एनसीएस यूज करते हैं, मैं भी गया था एक टाइम इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे गया है, सारा चीजें देख ले आप, ठीक है, ठीक है, सारा चीजें हमने देख लिया, इसको हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं इसकी APDL के ऊपर, ठीक है, तो हम जाएंगे एनसीएस, एनसीएस पे जाने के बाद APDL लिखते हैं हम, एनसीएस APDL 15, ठीक है, ठीक है, इसको आने देते हैं, आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले
हम फाइल की जो भी हिस्ट्री था उसको हम हटा देते, डू नॉट रीड द फाइल, ठीक है, रीड द फाइल, क्लियर डाटाबेस, स्टार्ट न्यू, ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं, पहले वाले क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा न्यू फ्रेश विंडो आ गया। अब उसके बाद जो है हमको ये देखना है, मेरा जॉब नाम है ना, मैं किस नाम से सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जॉब नाम को सेव करूंगा एक्सिस SYMMETRO, एक्सिस सिमेट्री केस कर रहा हूँ, तो एक्सिस सिमेट्री में सेव कर दे रहा हूँ। थर्ड में इसकी लोकेशन देता हूँ कहाँ पे रखना है मुझे इसको, एडमिन में ऑटोमेटिकली सेव होता है, ठीक है, ये गलती मत कर लेना। आप जो है एक फाइल बना लो, एक फाइल बना के, वो कोई मुझे पूछा था लास्ट क्लास में कि सर जो है कैसे सेव करते हैं वो पता नहीं चल रहा है, तो आपको सीधा यहाँ जाओ ना, सीधा जाओ, जाने की बात कहा, म्यूजिक में सेव करना है, जिधर भी सेव करना है। तो मैं चाहता हूँ एक सेकंड, हाँ लास्ट वाला शो नहीं करता क्या मेरा, विंडो ई बेंडिंग टूल एनसिस का देखो यहाँ पे होगा, एनसिस 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 कहाँ है, एनसिस का बेंडिंग टूल में आ रहा है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, म्यूजिक में जाके एक न्यू फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, या डेस्कटॉप में कहीं पे भी सेव कर लूँ, मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। अब जैसे हम केस कर रहा है, डायरेक्टिव मैंने दे दिया, ठीक है, डेस्कटॉप में मेरा सेव हो रहा है, उसके बाद मैं देखता हूँ स्टाइल, टाइल्स मतलब यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू देते हो ना, तो पूछते हैं कि आपका फाइल में अपना नाम लिख दो, तो आप क्या करोगे, फाइल का नाम तो सेव नहीं कर सकते उसमें, है ना, तो उसको आपको नाम लिखना पड़ेगा, तो डेस्कटॉप में बंदे दिखे जा रहा है, तो आपका नाम का साइज लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ, मान लो ये मेरा एक्सरसाइज 3 है, तो एक्सरसाइज 3 करके ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज का नाम बनेगा, अभी देखो अब पता लग जाएगा, अभी जैसे मैं करूंगा ना तब एक्सरसाइज का नाम बन जाएगा, तो ये आपको पहले कर लेना है, ठीक है, उसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कभी कभी आपका नफलदार फाइल का नाम कैसे लिखना है डेस्कटॉप के ऊपर, है ना, तो उसको पता लग जाता है कि कैसे लिखता है कैसे नहीं लिखता, कभी कभी आपको इस चीज़ क्वेश्चन पूछते भी है, तो ये पता होना चाहिए कैसे आप लिख रहे हो, ठीक है। प्रेफरेंस में जाऊंगा, स्ट्रक्चरल में जाऊंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसर में जाऊंगा, अब पोस्ट प्रोसेसर में जाऊंगा एलिमेंट टाइप, ठीक है, एलिमेंट क्या एलिमेंट है, स्विच DFM एलिमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिमूव डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मेरे को नहीं डालना है। एड में जाऊंगा, डिफाइन एड करूंगा। अब ये मेरा क्या है, लिंक है नहीं है, बीम है नहीं है, पाइप है नहीं है, सेल है नहीं है, सॉलिड सेल है नहीं है, ये सॉलिड में आएगा। अब सॉलिड में आएगा फोर क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट मतलब चार क्वाड्रेंट का है, आठ क्वाड्रेंट होगा तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, फोर क्वाड्रेंट में आएगा। फोर क्वाड्रेंट मतलब क्या होगा, एक दो तीन चार, चार क्वाड्रेंट में आएंगे ना, तो ये चार क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे, ब्लेड वाला आ गया। अब तो ये तो मेरा प्लेन में आ जाएगा, अब इसको मैं एक्सिस सिमेट्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मुझे तो इसको एक्सिस सिमेट्री में कन्वर्ट करेगा ना, तो एक्सिस सिमेट्री कोई भी चीजें चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जाने की बात यहाँ पे देखो, फुल इंटीग्रेशन, ये तो फुल इंटीग्रेशन रखना है, ठीक है, एलिमेंट फॉर्मेशन प्योर डिस्प्लेसमेंट रखना है, या प्लेन स्ट्रेस, यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस लग रहा है, एक्सेल लगाना है, प्लेन स्ट्रेन लगाना है, प्लेन स्ट्रेस विथ थिकनेस के ऊपर लगाना है, जनरल पर लगाना है, यहाँ पे आपको एक्सिस सिमेट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सीधा प्लेन में होता ना तो आपको यहाँ पे प्लेन स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक्सिस सिमेट्री लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा मॉडल जो है एक्सिस सिमेट्री के ऊपर होगा। कभी कभी कोई प्लेन के ऊपर मिलता है ना, उस केस में आपको प्लेन के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो आपको ये जरूर देख लेना है कि आप जो एलिमेंट बिहेवियर आपका क्या है, एक्सिस सिमेट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे जाके एक्सिस सिमेट्री सिलेक्ट करोगे, सिंपली अलग तो थोड़ी ना सिलेक्ट करना है आपको, यही तो सिलेक्ट करना है ना, तो इसको हम ओके कर देंगे, लिखना है तो इसको लिख लेना है, एक पॉइंट जो है, ठीक है, ये पूछते रहता है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ तक बन गया है, अब उसके बाद जो आता है मेरा प्रेफरेंस में मैं जाके ये कर दिया, मेरा रियल कॉन्स्टेंट का काम है, यहाँ पे रियल कॉन्स्टेंट का काम नहीं है, मेटेरियल लेना पड़ेगा जरूर, मेटेरियल लाइब्रेरी नहीं है, मेरा मेटेरियल मॉडल पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चरल लीनियर इलास्टिक आइसेंट्रोपिक, क्या क्या है, स्ट्रक्चरल मेटेरियल है, लीनियर है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद अब आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ये मेरे को आंसर जरूर देना, आइसेंट्रोपिक क्या है, ऑर्थोट्रोपिक क्या है, एनिसोट्रोपिक क्या है, ये तीनों का बिहेवियर क्या है, ये आपको जो है मैं पूछता हूँ, अगर नहीं पता है मैं बता दूंगा, एक बार आप जरूर स्टडी करके मुझे बताना इन तीनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। अब जो होता है कितना दे रखा है मेरे को प्रेशर, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, 1 MPa का दे रखा है, 1 MPa मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, सॉरी अच्छा इलास्ट पॉइजन रेशियो सही है ना, मैं प्रेशर तो मैं यहाँ थोड़ी ना दूंगा,
ओरिजिनल रेशियो मैंने कितना दे रखा है, 200 जीपीए है, एमपीए नहीं, ठीक है, जीपीए है, 2E7, ठीक है, जीपी में दे रखा है, और ये 0.3 ठीक हो जाएगा, ठीक है, ओके, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां तक मेरा मेटेरियल जो है मैं दे रखा हूं। अब जो होगा, मेरा मेटेरियल प्रॉपर्टी दे दिया, अब मेरे को मॉडलिंग पे आना है। अब मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे होते जाएगा इसको आप हटाते जाओ। मॉडलिंग पे आऊंगा, सेक्शन देना है, बीम होता तो मैं सेक्शन देता, लेकिन यहाँ पे मेरा सेक्शन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि बीम नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे मैं सेक्शन पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे कोई जरूरत है सॉलिड का, नहीं है, यहाँ पे आपको देना नहीं है, सेक्शन में कुछ नहीं देना, नहीं आपको मॉडलिंग में जाना होगा। बीम होगा तो अलग अलग सेक्शन का बीम होता है, तो उस केस में आप दे सकते हो। मॉडलिंग पे जाऊंगा, क्रिएट में जाऊंगा, क्रिएट में जाने के बाद क्या जाऊंगा मैं, की पॉइंट्स लाइंस क्या जाऊंगा मैं, एरिया क्या है मेरा, यहाँ पे एक सॉलिड की पॉइंट्स में देना पड़ेगा, एरिया में देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ, मैं मॉडलिंग में कैसे करूंगा आप ही बताओ। मॉडलिंग में जाके क्या रहूंगा, की पॉइंट जाऊंगा, लाइन जाऊंगा, एरिया जाऊंगा, क्या रहूंगा। अब मेरा डायरेक्ट यहाँ पे एरिया नहीं बना सकता हूँ ना, तो मैंने पॉइंट लेके बनाऊंगा ना, मैंने पॉइंट जो है ये सब क्यों बनाया है, ये जो मैंने बना रखा है किस बात के लिए बनाया है, तो की पॉइंट में जाना पड़ेगा, पॉइंट में जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो बताओ ना आप। तो इसे की पॉइंट में जाऊंगा, क्या करूंगा, इनएक्टिव सीएस, इनएक्टिव सीएस में जाऊंगा, की पॉइंट में जाके सॉरी, ठीक है, उसके बाद इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद ये जो मेरा बैकग्राउंड पे चुप गया है ना, तो इसको लाना पड़ेगा, दोबारा से ले आता इसको, ठीक है। सबसे पहले 1.1 डालूंगा, यहाँ पे कितना है, 0.0, 0.0 अप्लाई, तो 1 नंबर पर देखो आपका आ गया, एक्सरसाइज नाम करके आ गया। इसको प्लॉट कंट्रोल से भी ला सकते, प्लॉट कंट्रोल मल्टी प्लॉट करके भी ला सकते थे, अभी जैसे ये नंबर वगैरह डालते हैं वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर में जाऊंगा, 2 नंबर के 50 × 0, 50.0, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे क्या है, 50 है, इधर कितना है, 300 है, 300। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ 0 कर देंगे, और इधर जो है कितना है, 300 है, 300 है, फोर्थ में 0 और 300 है, देखते रहना, 1 2 3 सर इक्वल लाइन पे है तो मतलब ठीक है, ठीक है। 5 नंबर पे आता है, क्या है, 0, इधर कितना है, 25, 5 नंबर ये है 0 और 25, ये कितना है, 25, हाँ ठीक है, 0 25। 6 नंबर पे आते हैं, कितना है, 35 और 25, ठीक है, 35 25। 7 नंबर पे आते हैं, कितना है, 35 और 275, 275 275, ठीक है, 275, ठीक है। 8 नंबर कितना है, 0 और 275, 0 और 275। अब देख लो ये स्ट्रेट है, ऐसा रहेगा, ऐसे बनेगा, राइट, तो ये जो है आपका बन गया है। तो इस तरीके से एक बार देखने के बाद जरूर इसकी क्रॉस चेक कर लेना, जो मैंने चीजें बनाया सही बनाया कि नहीं, और एक गलत कर दिया मैंने, दो गलत क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7 8 होना चाहिए, यहाँ पे 7 कर दिया। अब इसको हटाऊंगा कैसे, मैं इसको मैं कैसे हटाऊंगा मेरे दोस्त, हो गया ना ये गड़बड़ी, हो ना गड़बड़ी हो गया ना, लो कैसे करवाएंगे, प्लॉट कंट्रोल, यहाँ पे हम मल्टी प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट कंट्रोल की पॉइंट्स, प्लॉट कंट्रोल नंबरिंग, की पॉइंट्स को ऑन कर देते हैं, तो पॉइंट्स आ गए 7 नंबर, यहाँ पे 2 हो जाएगा ऑब्वियसली बात है, 6 7 नंबर मेरा कौन सा था, ये भी तो एक बार देखना पड़ेगा, 7 नंबर था ये वाला, ठीक है, उधर चला गया, तो दोनों पॉइंट को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो देखो देखो, देखो। पॉइंट यहाँ पे हम इसको ऊपर ले आते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऑपरेट में आएंगे, नहीं मिलेगा ये, किस में जाना पड़ेगा, डिलीट की पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, प्लॉट कंट्रोल मल्टी प्लॉट है अभी नहीं, अब कितना है, 4 5 6 7 8 चाहिए, ठीक है, अब हम डिले को हम हटा देते हैं। अभी देखो ये चीज आपको पता लग गया ना, मॉडलिंग पे जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, की पॉइंट्स में जाएंगे, इन एक्टिव सीएस में जाएंगे, 7 नंबर पे कितना वैल्यू था आपका, ये देखो देख लो, 7 नंबर कितना, 35 275, 35 275, ठीक है, आ गया। अब 8 नंबर पे कितना है ये देख लो, 0 275, 0 275, अप्लाई, ओके।
अब पता लग गया, अगर आप गलती भी करते हो ना, अगर आप गलती भी करते हो तो उस गलती को कैसे सुधार सकते हो, क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, ये तरीका है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको कहीं पे ऐसे ऐसी चीजें नहीं बताएंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस है, जो गलती करते हो तो कैसे ठीक करना है इसके ऊपर है। आप पूरा फाइल दोबारा से करने का जरूरत नहीं है, तो चीजें जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो और ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मॉडलिंग हो गया, ठीक है, मॉडलिंग होने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब तो मैंने इसको बना दिया, मॉडलिंग कर दिया, अब मॉडलिंग करने के बाद इसकी मुझे सॉलिड सॉलिड में ले जाना पड़ेगा। सॉलिड मतलब इसको हम सॉलिड बॉडी में ले जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये सॉलिड है ना, तो मैंने पहले क्या लिया था, सॉलिड लिया था, सॉलिड लिया तो लाइन तो होगा नहीं, वॉल्यूम तो होगा नहीं, वॉल्यूम होगा तो 3D उसमें बच जाएगा, ठीक है। तो मैं एरिया में जाऊंगा, एरिया में जाए मैं आर्बिट्री में जाऊंगा, ट्रू केपीएस जाऊंगा, एरिया आर्बिट्री ट्रू केपीएस, केपीएस मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ओके कर देता हूँ। देखो ये एरिया लेके मैंने कर दिया, ठीक है, रेक्टेंगल होता तो मैं रेक्टेंगल से भी कर सकता, रेक्टेंगल लेके ये एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया। उसको करने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, फिर मुझे जाना पड़ेगा ऑपरेट में जाके, एक्सट्रो बुलियन में जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता अगर मैं वैसे करता तो। देखो दोनों तरीके से बता दिया आपको, कहीं आपको कहीं भी फंसे हो ना, वैसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कैसे बनाओ, लेकिन ये वाला जो तरीका बताया मैंने वो बड़ा ज्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके भी अब क्या करना है, एरिया को सिलेक्ट कर लेने, ये एरिया ऐड कर दो, बस हो गया आपका काम। मेरा काम है आपको अलग अलग मेथड बताना, कभी आप इन फ्यूचर कभी भी किसी चीज में फंसते हो ना तो उसको कैसे निकालना है, क्या तरीका यूज करना है, वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो मेन मेन चीजें जो ये करना है, ये चीजें आपको कहीं नहीं बताने वाला है, कहीं भी नहीं बनाएंगे, वो बनाना सिखा देंगे नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकली चीजें करते हो ना, प्रैक्टिकली चीजें एनालिसिस करते हो ना, तो उसके ऊपर आपको पता लग जाता है। तो ये चीजें आपको सीखना जरूरी है, कल कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू के लिए, कहीं पे भी जाते हो, किसी भी एरिया में भी जाते हो, तो वो चीजें कैसे करना है आपको आना चाहिए। कहीं पे भी करो यार, कुछ पे भी करो, तो वो चीज आपको आना चाहिए। ये कुछ कुछ छोटी 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 चीजें है जो आपको क्या करेंगे ना, दूसरे से अलग बना देंगे। कल कल एपीडीएल लोग और भी काम कर रहे होंगे, एपीडीएल में लोग और भी सीख रहे होंगे, अगर कल आप एमटेक के पीएचडी में प्रोजेक्ट करोगे ना, एपीडीएल में करना पड़ेगा। मेरे जब मैं बताऊंगी आप, जब मैं दिल्ली में उत्तम नगर पे सीखा जाता था ना, तो मेरे पास आईआईटी दिल्ली से भी प्रोजेक्ट आते थे, लेकिन उसकी प्रोजेक्ट की टाफ बहुत होता था। अब मेरा यहाँ पे इतना मैचिंग नहीं हो पाती है क्योंकि ये क्रैक सॉफ्टवेयर है। तो मेरा दोस्त है एनआईटी में, वहाँ पे भी उसके पास लाइसेंस था, एनसीएस का लाइसेंस वगैरह यूज करते थे वो, तो मैं वहाँ पे मतलब वीकेंड में मैं उसके पास चले जाता था, तो लाइब्रेरी में संडे को बंद होता था, हाँ वहाँ पे, तो सैटरडे को मैं रात को निकल जाता था, मतलब ऑफिस वगैरह से मैं बोल देता था कि ऑफिस में थोड़ा मेरा सर काम है प्रोजेक्ट को, इसको मैसिंग वैसिंग करके मेरे को लाना है, तो उस केस में मैं एनआईटी चला जाता था मेरे दोस्त के वहाँ पे, तो उसके साथ मैं लाइब्रेरी चला जाता था। मेरे दोस्त की आईडी कार्ड लगा के, बता रहा हूँ आपको, दोस्त की आईडी कार्ड लगा के मैं एनआईटी चला जाता था, और एनआईटी से मैं वो मैसिंग वैसिंग करके सारा चीजें करके फाइल में वो लेके आता था मैं, तो वैसे वैसे करके हम जो है आईटी के प्रोजेक्ट सॉल्व करते थे, और उसकी बहुत ही एक टिपिकल प्रोजेक्ट था, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। एक प्रोजेक्ट आया था, मैं बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ, एक प्रोजेक्ट आया था, एक ब्रिज है, ठीक है, मतलब ब्रिज है, आगे एक ब्रिज है, उसके अगर एक वो लगाना है आपको, मतलब वो होता है ना हाइड्रोजन पावर प्लांट जो लगाते हैं, उसके लिए जो आपको क्या बनाना पड़ता है, गेट लगाना पड़ता है ना, स्विच गेट वगैरह, तो स्विच गेट वगैरह लगाना था, तो इसकी वजह से कितना पानी का वो फ्लो हो रखा था, वो उसकी करा था पूरा सेफ्टी में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था उसमें। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मेसिंग प्रॉपर चाहिए, ठीक है, एक आपका स्टूडेंट फाइजन में होगा नहीं, तो कुछ कुछ सीधे यहाँ पे करा, कुछ कुछ सीधे वहां पे करा, उसके बाद जो है इसको लेके गया मैं, तो हमने देखा इतना थिकनेस क्या है क्या नहीं है, तो इसको हमने पूरा तरीके से देखा, देखने के बाद जो है हम देखा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं सीधा, मॉडलिंग हो गया मेरा ना, मॉडलिंग तो मेरा हो गया, अब मेरे को मेसिंग में जाना है, मेसिंग में जाऊंगा, मैस एट्रीब्यूट्स का जरूरत नहीं है, मैस कंट्रोल का जरूरत नहीं, मैस टूल में जाऊंगा। मैस टूल में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा मैस होगा, कौन सा मैस करूंगा, मैं स्मार्ट मैस करता हूँ, ठीक है, इसको कोर्स करना है, फाइन करना है, फाइन मतलब ये ज्यादा प्रॉपर आपका वो देगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ ये प्रॉपर फाइन कर देना, ठीक है, फाइन करने से आपको अच्छा होगा। क्वाड मैस क्वाड में आता है, ट्राई मैस ट्राई करने मैस होता है, ठीक है, फ्री मैस रखना है, ठीक है, फ्री मैस में अपने हिसाब से वो मैस करेगा, यहाँ पे मैं मैच टूल कर दूंगा। मैच टूल करने के बाद आपको क्या करना है, पिक अनपिक सिंगल एक बार में करना है, लिस्ट ऑफ आइटम तो ये ऑटोमेटिकली लेगा, तो उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करके इसको हम ओके कर देते हैं। देखो
जो मेरा मैश करा है ना, कितना क्वालिटी फाइन हो गया। क्यों फाइन हो गया? क्योंकि मैंने जो मैश लगाया था वो कौन सा वाला मैश लगाया था, मैं फ्री मैश और अच्छा वाले क्वालिटी। अगर आप कोर्स मैचिंग करते हो ना, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम जो है लोड नहीं लेता है और इजीली हो जाता है, लेकिन फाइन मैशिंग में सिस्टम लोड लेता है और सिस्टम में टाइम लगता है। तो आपको फाइन मैशिंग करना है। अगर आपको सिस्टम इतना लोड नहीं ले रहा है तो उस केस में आप कोर्स मैशिंग कर सकते हो। ठीक है, किसकी बात कर रहा, समझ रहे हो ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कोर्स और फाइन की, ये फाइन मैशिंग रखना है। ठीक है, अगर ये सब आएगा, मैं ट्राई मैशिंग कहाँ रख रहा हूँ, मैश कहाँ पे कर रहा हूँ, एरिया में मैशिंग कर रहा हूँ, लाइन पे करना है, वॉल्यूम में करना है, तो इस एरिया में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा आपको मैशिंग करना है। ठीक है, तो वो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर मेरा एरिया है तो मैंने एरिया में ले लिया, अगर मेरा पास वॉल्यूम होता तो मैं वॉल्यूम पे ले लेता। ठीक है, यहाँ पे भी आप सॉलिड बॉडी बना के इनपुट कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, वॉल्यूम पे लोगे। जब आप सॉलिड बॉडी बना के उसमें इंपोर्ट करोगे तो उस केस में आपको वॉल्यूम पे ले सकते हो। देखो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीजें आपका काम का है, कल आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ऐसा क्यों लिया आपने, क्या डिफरेंस होगा, तो आपको पता, आंसर पता होना चाहिए ना, आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने क्यों लिया, क्या रीजन होगा मेरे पास, क्या नहीं है, तो आपको आंसर तो पता होना चाहिए। तो सारा चीजें आपको पता होगा तभी तो आप बना पाओगे। ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीजें आप बोल रहे हैं, कोई भी चीजें बता रहे हैं तो आप बना लोगे, ऐसा नहीं ना। आप एक एक चीज आप खुद से बनाओगे, एक एक चीजें का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा जो है मैशिंग हो गया, मैश का यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ मैश के बाद। अब मैश के बाद सीधा मेरा यहाँ पे मैशिंग हो गया, मैशिंग के बाद मैं किस में जाऊंगा, तो मेरे को लोड देना है ना, अब लोड देना है, लेकिन इसको हमने एक एरिया ही बनाया है, अब इसको हम एक्सिस सिमेट्री में अभी तक कन्वर्ट नहीं करा, अभी एक्सिस सिमेट्री में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोज सिलेंडर है और ओपन सिलेंडर है। अभी जो मैंने पहले पहले क्वेश्चंस में पूछा था ना आपको, कि सर ये क्लोज सिलेंडर है या ओपन सिलेंडर है, इसको आपको कैसे ठीक करोगे, कैसे पता लगेगा, अब वो चीज आएगा। अब ये वो ध्यान से देखो, क्लोज सिलेंडर में डिफरेंस क्या है और आपका एक्सिस सिलेंडर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो। अब हम देखते हैं, सीधा जाते हैं लोड में। लोड में क्या है मेरा, लोड में गया एनालिसिस टाइप में, गया न्यू एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस है, स्टैटिक एनालिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक कर देना, आपको ऑलरेडी मेरा स्टैटिक है तो इसको स्टैटिक ही रहेगा। ठीक है, डिफाइन लोड, डिफाइन लोड में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में कुछ कुछ चीजें होता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर ये सब मुझे नहीं चाहिए, अप्लाई में जाऊंगा। ठीक है, अप्लाई में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल में जाऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल में गया, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चरल में जाने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट में जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट में जाने के बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कहाँ पे मेरे को फिक्स सपोर्ट लगाना है, लाइन लगाऊंगा, लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई ये एक्सिस सिमेट्री है, तो यहाँ पे आपको सिमेट्री का ऑप्शन मिलेंगे, एंटी सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम ई वाला लेंगे, सिमेट्री बीसी, क्योंकि सिमेट्री का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑनलाइन विच एरिया, ऑन एरिया, ऑन नोड्स, ऑनलाइन। अब इसको आपको सिमेट्रिकल करना है, इसको करना है, ठीक है, अप्लाई कर देना है, इसको करना है, अप्लाई कर देना है, दोनों को अप्लाई करके मैंने ओके कर देना है, मेनू मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे, अगर मेरा यहाँ पे देखो ओपन होता तो मैं यहाँ पे एक बार में लगाता, क्लोज होता तो मैं क्या करता भाई, दोनों दोनों साइड लगाया ना मैंने, अप्लाई करके दोनों साइड लगाया ना। यहाँ पे आपको प्लॉट कंट्रोल की पॉइंट्स, जो प्लॉट कंट्रोल नंबरिंग, यहाँ पे लाइंस एरिया को अगर डिफाइन करना है, नोट्स नंबर को डिफाइन करना है, जो भी डिफाइन करना है यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ला सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज्यादा ओपन कर दिया, नंबरिंग में जाके ये जो सेंड नंबर है इसको ओके ऑफ कर देता हूँ, प्लॉट मल्टी प्लॉट कर देता हूँ, प्लॉट कंट्रोल नंबरिंग एरिया नंबर को ऑफ कर देता हूँ मैं, प्लॉट मल्टी प्लॉट, प्लॉट कंट्रोल नंबरिंग, तो नोट सॉरी मैंने इसको ऑन कर रखा है, ओके, ये प्लॉट मल्टीप्लॉट। ठीक है, नसिंग हो रखा है, ये चीज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑनलाइन सिलेक्ट करा, सिमेट्री सीधा सपोर्ट सिलेक्ट करा, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे ये वाले को दे दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमेट्री विषय मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर रखा है, तो आपको डरने की वाली कोई बात नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम प्रेशर पे। अब आ गया ना प्रेशर पे, क्योंकि एक्सेल प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा मेंशन है आपकी, और एक्सेल प्रेशर में हम कहाँ लगाएंगे, ऑनलाइन लगाएंगे। ठीक है, कहाँ लगाएंगे, ऑनलाइन लगाएंगे, एक दो तीन, तीनों को सिलेक्ट करा, अप्लाई, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लोड कितना होगा, मैं 1 MPa दे रखा है ना, तो यहाँ पे 1 MPa का मैं यहाँ पे लोड लगा दूंगा। ठीक है,
1 MPa का मैं लोड लगा रहा है यहाँ पे, एक्सियल सपोर्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, प्रेशर का भी मैंने डाल दिया है। अब अपने को अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है ना, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में जाके, यहाँ पे सॉल्व में जाके करंट एलएस ओके कर देंगे। यहाँ पे अगर सब सही है तो सॉल्यूशन इज डन आएंगे, अगर सब सही नहीं है तो सॉल्यूशन इज डन नहीं आएंगे। सॉल्यूशन ऑप्शन डाटाबेस कंट्रोल फॉर ऑल क्या हो रहा है, करंट एलएस देखो यहाँ पे देखोगे ना, देखो दोनों तरफ से सपोर्ट लगा रहा है, एक्सिस सिमेट्री का ये सिंबल है, एक्सिस सिमेट्री का ये सिंबल है, लोड का ये सिंबल है, एक्सियल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, लोड का ये सिंबल लग रहा है आपका, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको ये देख रहा है, उस टाइम नहीं दिख रहा था, तो अब देख रहे हो आप, जो मैंने एक्सरसाइज देख रहा है तो यहाँ पे देख रहा है, तो हर एक चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, जो इसकी एनालिसिस निकालना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा जनरल प्रोस्पेक्टस में जाऊंगा, जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिजल्ट निकालना है ना, रीड रिजल्ट करना है, ऑप्शन करना है, क्या करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे व्यू रिजल्ट व्यू आर में अगर रिजल्ट वगैरह देख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा प्लॉट कंट्रोल। ठीक है, तो मेरा जो है प्लॉट कंट्रोल अभी आया कि नहीं है, अभी मेरा प्लॉट कंट्रोल सॉल्यूशन सॉल्व करंट लेस क्या बोल रहा है, बिगिन सॉल्यूशन करंट लॉस तब रिव्यू माय एंटर स्टेटस कमांड देन प्रेस ओके स्टार्ट द सॉल्यूशन, रिव्यू द समरी इंफॉर्मेशन ऑफ लिस्टर विंडो एंड टेल अप स्टेटस कमांड देन ओके। यहाँ पे लिस्टर विंडो रिव्यू द समरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने मिस करा है, अब क्या चीजें मैंने मिस करा है यहाँ पे आपको पूछ रहा है, क्या चीजें मैंने मिस करा है, देखो एक चीजें कहीं पे रह जाता है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए लोड स्टेप बिगिन द सॉल्यूशन ऑफ करंट लोड स्टेप, करंट लोड स्टेप ये रहा है ना, करंट लोड स्टेप में मैंने कुछ चीजें मिस करा है क्या, लोड स्टेप सॉरी यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, राइट कर ठीक है, सॉल्यूशन करंट एलएस, अब मेरा देखो वो जब तक वो नहीं रहोगे ना, यहाँ पे आपका प्लॉट कंट्रोल करने का आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे प्लॉट कंट्रोल तभी मिलेंगे जब आपके ये सॉल्यूशन वाला काम खत्म हो जाएगा। स्टेटस एंटर स्टेटस कमांड, एंटर स्टेटस कमांड क्या रखना मुझे, एस टी ए टी यू एस सी ओ डबल एम ए एन डी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम डायमेंशनली एक्सिस सिमेट्री डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई स्टैटिक्स डिग्री स्टेट ग्लोबली एक्सिस मैट्रिक्स सिमेट्री। ठीक है, सॉल्यूशन ऑप्शंस, प्रॉब्लम डायमेंशनली एक्सिस सिमेट्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एनालिसिस टाइप स्टैटिक्स स्टेडी स्टेट ग्लोबली असेंबल मैट्रिक्स सिमेट्री। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या स्टेप मिस कर दिया मैंने कहीं पे। तो दोस्तों एक जो वो चीज है मैंने देना भूल गया है, तो उसको मुझे दोबारा देना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमने इसको मैशिंग करा है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने क्या मिस करा, एक एक स्टेप मैंने रिवाइज किया। तो जैसे हमने यहाँ पे मैशिंग करा है ना, मैं सबसे पहले एक बार मैशिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैशिंग करने के बाद आपको कुछ कुछ चीजें पता लग जाए, एनालिसिस टाइप सॉल्यूशन, यहाँ पे जाके मैं मैश मैश टूल फ्री है मैश सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, दोबारा से मैं मैशिंग कर दिया, ठीक है, मैशिंग कर दिया, प्लॉट मल्टीप्लॉट, ठीक है, जो लोड आ गया वो आ गया, यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन में जाने से पहले, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसर में जाना है, उसमें जैसे हमने डिफाइन लोड करा ना, सॉल्यूशन में डिफाइन लोड मिलता है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन लोड करा, ऑलरेडी मैंने लोड डाल रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में कर रखा हूँ। अब जब ये आप जो है डिस्प्लेसमेंट सिमेट्री वैसे करते हो ना, उसके बाद आपको जो है एक आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नोड को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर नोड्स को डिवाइड नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये सिमेट्री करते हो, उसके बाद सिलेक्ट में जाना है, एंटिटी में जाना है, एंटिटी में जाने के बाद यहाँ पे नोड्स, नोड्स में काम कर रहे हो ना आप, तो नोड्स आ जाएगा, ठीक है, नोड पॉइंट। तो यहाँ पे हम वाई लोकेशन कर देंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस कर देंगे, ठीक है, वाई में क्यों करेंगे, हम एक्स कर देंगे तो वाई के अबाउट कर रहा है, राइट, तो ये बार एक्स होगी वाई होगी, तो यहाँ पे लोकेशन वाई को अबाउट करना है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कितना है 50 नोड करना है मुझे, ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा।
यहाँ पे 50 नोट्स मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई के बाद जाना है यहाँ पे। यहाँ पे बाद आपको मिलेंगे ऑन नोट्स का ऑप्शन मिलेंगे, फंक्शन रिक्वायरमेंट सिलेक्टेड द नोट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन नोट्स डालना पड़ेगा आपको। ऑन नोट्स डालने से पहले आपको ये डालना पड़ेगा जो सिमेट्री बीसी है, तो हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, इंपरमेंटल ऑलरेडी हैव ऑलरेडी अप्लाई टू मॉडल। हाँ, मॉडल में हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको की पॉइंट है फंक्शन रिक्वायर सिलेक्टेड द नोट्स, तो आपको नोट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नोट पॉइंट हमने सिलेक्ट करा है नहीं करा है, तो हम यहाँ पे जाके एक बार एंटिटी में जाते हैं। जाने के बाद वाई, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद 50 लोकेशन सिलेक्ट अप्लाई, ओके, ठीक है, इसको अप्लाई करके ओके कर दिया मैंने। तो दोस्तों, अगर हम सीधा जैसे हमने इसको, अगर नोट्स को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्व पे जाते हो ना, तो करंट एलएस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे लोड, इतना वार्निंग दिखा रहा है। हम इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन इज डन नहीं आएंगे। जब तक सोल्यूशन इज डन नहीं आएंगे तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन का फेलियर का ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नोट्स में जाना पड़ेगा। तो नोट्स में जाके ही आप ठीक कर सकते हो इसको। दोस्तों, अभी एक यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे कभी कभी क्रैक फंक्शन में ये प्रॉब्लम आता ही है। तो एक बार हम जो मेसिंग में हम दोबारा से कर लेते हैं। मैं आपको मेस टूल से मेसिंग करा था, तो आप अलग तरीके से देखते हैं मेस टूल को करके। मैश में जाके एरिया फ्री मैश, ठीक है, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है, यस कर देते हैं। दोबारा मैशिंग कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से भी मैशिंग कर सकते हो, उस तरीके से भी मैशिंग कर सकते हो। मैशिंग का कोई इससे पंगा नहीं है, हम इसमें आके मैश को हाइड कर देते हैं, ठीक है। लोड में जाके यहाँ पे, उसके बाद जो है हम एक बार दोबारा से डालते हैं। एक बार पहले वाली लोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अप्लाई को हटा देते हैं, डिलीट में चले जाते हैं लोड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन को सिलेक्ट करके अप्लाई करके हटा देते हैं, ठीक है, तो इसको हम हटा दिया। यहाँ पे ऑनलाइन में था, ऑन एरिया में था, तो हमको किस में दिया था हमने लोड जो है, ठीक है, किस में लोड दिया था हमने, सिमेट्रिकल बीसी में दिया था ना, ऑनलाइन में देके ऑन एरिया में देना है, तो एरिया में लोड तो है नहीं, तो इसको हमको देना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रेशर को हटाना है, प्रेशर को अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा करके इसमें देखते हैं। कभी कभी क्रैक फाइल में आपको ये दिक्कत होता ही है, तो हमें अप्लाई में जाएंगे, जाने के बाद स्ट्रक्चरल में जाएंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में, ऑनलाइन में जाके सिमेट्रिक बीसी में जाके ऑन सिमेट्रिक लाइन में देंगे, एक और दो अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। प्लॉट में जाके मल्टी प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल में जाने के बाद यहाँ पे ऑन नोट्स में जाऊंगा मैं। ऑन नोट में जाने के पहले जो ऑन नोट अभी आ रहा है, पहले आ नहीं रहे थे, ठीक है, अभी तो आ रहा है ना, तो यही तो पंगा है यहाँ पे। वाई में जाऊंगा, लोकेशन में जाऊंगा, नोट्स को रखना है वाई में जाऊंगा, लोकेशन में जाऊंगा, यहाँ पे 50, 40, 30 जितना भी नोट्स का हिसाब से ओके कर देना है। अब यह नोट्स आ गए, अभी देखो यहाँ पे करूंगा ये नहीं आ रहा है, देख रहे हो आप, तो ये चीज का दिक्कत होता है यहाँ पे। एक बार आपको जो है प्लॉट मल्टी प्लॉट ऑन नोट्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको डिलीट करके दोबारा से डालना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चरल में जाके, ठीक है, अप्लाई के जाके स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑन लाइंस, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे फिर अप्लाई में जाने के बाद, स्ट्रक्चरल में जाने के बाद, सिमेट्रिकल बीसी में जाने के बाद इसको अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया और नोट्स में जाऊंगा, देखो पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे, कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो सोल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा एक एक करके। यहाँ देखते हैं क्या सोल्यूशन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको देखने के बाद ही मेरे को पता लग जाएगा। 50-30 कुछ भी डाल सकते हो, बाई लोकेशन बाई नोट्स एलिमेंट, नहीं मैं नोट्स करूँगा, नोट्स बाई लोकेशन एक्स वाई में होगा, वाई डायरेक्शन के अबाउट हो रहा है, फ्रॉम फुल सेल ऑल इनवर्ट, ओके ओके कर देते हैं। उसके बाद बाय नोट्स अब आ गए, देखो कुछ कुछ चीजें जो है ना यहाँ पे इतना गड़बड़ दिखाता है, अब जो है परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे हम प्री कॉल कर देंगे, प्री कॉल में किसको रखेंगे, देखो वाई के अबाउट है ना, वाई के अबाउट है, तो वाई के अबाउट ही आपको रखना पड़ेगा। वाई के अबाउट क्यों रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह जितना भी है वाई के अबाउट ही है, तो वाई के अबाउट ही आपको रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दूंगा यहाँ पे, देखो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, ये देखो ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, आपके मैंने करके दिखा दिया, तो थोड़ा सा नहीं होगा तो मतलब वो नहीं होना है कभी, ये क्या है क्रैक फंक्शन है, क्रैक फंक्शन में ये प्रॉब्लम आते रहते हैं आपको, तो उसमें काट के नया से करो, कितने बार नया से करोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको।
तो इसको एक बार कर लेना जरूर, और कुछ स्टेप मिस करोगे तो ये सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो छोटी सी स्टेप था, यहाँ पे सिलेक्ट में जाके मेरे को इसकी जो नोट्स है, नोट्स को मुझे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं नोट्स को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा, डब्ल्यू वाई ले लूंगा, वाई के अबाउट करा है मैं, ना क्या बोल रहे हैं, एनी डिस्प्लेसमेंट वाई और नोट्स में, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितना है 50 का है, ठीक है। इसको अप्लाई कर दूंगा, अब अप्लाई करने के बाद अब आपका सोल्यूशन जो है 100% हो जाएगा। लोड सोल्यूशन सॉल्व करंट एलएस ओके यस। देखो ये छोटी सी गड़बड़ी था जिसके वजह से आपका जो है इतना प्रॉब्लम दिखा रहा था, देख लिया आपने, छोटा सा गड़बड़ी था, छोटा सा गड़बड़ी क्या था, आपको जो नोट्स था उस नोट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको नोट्स को डिवाइड नहीं करोगे तो ये गड़बड़ी होगा, है ना। छोटी सी गड़बड़ी था, इसकी वजह से थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया, है ना, 5 मिनट ज्यादा लग गया। तो ठीक है, तो पता लग गया सॉल्व नहीं होगा, तब तक वो नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे सारा चीजें आ गया, प्लॉट कंट्रोल आ गया, रिलीज कंट्रोल आ गई, ये सब चीजें आ गया ना। तो प्लॉट कंट्रोल में जाऊंगा मैं, यहाँ पे फैक्टर सॉल्यूशन में जाऊंगा, सॉरी कंट्रोल प्लॉट में जाऊंगा, नोडल सॉल्यूशन में जाऊंगा, योर सॉल्यूशन में जाकर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर में ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सब में मेरा क्या आ रहा है, कंट्रोल प्लॉट डिफॉर्म शेप में जाऊंगा, डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म में जाके अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आप देख पाओगे। अगर इसको आपको 3D में दिखना है, 3D में दिखना है तो कैसे हम इसको 3D में दिखेंगे, ठीक है। 3D में दिखने के लिए क्या दिखेंगे इसको, एक सेकंड करें, ठीक है। तो ये जो आपका ये है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, नोडल सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे ये रेड दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे डायरेक्शन वाई में लिया था, हम डायरेक्शन जो है इसको एक्स में भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसकी फैक्टर सेट कर लेना, जितना भी आपको फैक्टर वगैरह सेट करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने रेक्टेंगल में लिया है, आइसो में लिया है, तो अब व्यू में था, है ना, तो यहाँ पे आइसो में था, ये फ्रंट व्यू में था, तो ऐसा तो नहीं था, तो इसको मैंने सेंस करा, तो इसको यहाँ पे सेंस करा, स्टाइल में जाके सिमेट्री एक्सप्रेशन में पेरिएडिक टू डी सिमेट्री 1/4 डायगोनल करना है तो 1/4 में कर सकते हो, ठीक है। प्लॉट में जाके, स्टाइल में जाके, एक्सिस सिमेट्री में जाके, टू डी एक्सिस सिमेट्री में जाके क्या करना है, फुल एक्सपेंशन करना है तो फुल एक्सपेंशन कर सकते हो, आइसोमेट्रिक में जाके सिलेंडर की फुल एक्सपेंशन आप देख सकते हो। प्लॉट कंट्रोल स्टाइल में जाके, सिमेट्री एक्सिस में जाके, टूरी सिमेट्री एक्सिस में जाके नो एक्सपेंशन कर दूंगा, तो वो पहले वाला जैसा आ जाएगा, आपको ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सिमेट्री एक्सपेंशन को आप देख सकते हो। अगर इसकी आपको जैसे वाई डायरेक्शन के हिसाब से इसको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, एस एम वगैरह निकालना है। अगर इसको एनी फैक्टर प्लॉट में जाके, सॉरी डिफॉर्म शेप, डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म ओके करके इस तरीके से इसकी डिफॉर्म आर्ट डिफॉर्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है, उस हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो प्लॉट कंट्रोल में जाके अगर मैं इसको एनिमेट करूंगा, नोडल सॉल्यूशन में जाके डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसके स्ट्रेस में जाके फास्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर इसको मैं एनिमेट करता हूँ, कहा गया एनिमेट, ठीक है, डिफॉर्म रिजल्ट, इसको अगर मैं एनिमेट करता हूँ तो यहाँ पे एनिमेशन का भी आप देख सकते हो डिफॉर्म में, ठीक है, कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से नहीं देख पाओगे, यहाँ पे मैं जाके डायरेक्ट एनिमेट में जाके डिफॉर्म रिजल्ट डिओसिलेशन यूसम फैक्टर, और इसको मैं ओके करके यहाँ पे भी दिखा सकते हो किस तरीके से भी हो रहा है। यहाँ पे आप जो डिस्प्लेसमेंट जो है, हमने प्रोसेस का डिस्प्लेसमेंट रखा है, डिस्प्लेसमेंट को हटाना पड़ेगा, हटाओगे तो फिर ये मूव नहीं करेगा, अभी जो है वाई में मूव कर रहा है, तो इसको आपको एक्स में लगा के देखना, एक्स में लगा के देखोगे तो ये हो जाएगा। ये प्रोसेस था, अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके एक्सपेंशन में जाके 2D सिमेट्री एक्सपेंशन जाके फुल एक्सपेंशन लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद इसको मैं आइसोन ये व्यू कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं प्लॉट में जाके एनिमेट रिजल्ट कर देता हूँ, जाने के बाद डिफॉर्म रिजल्ट में जाके यूसम फैक्टर करके कर देता हूँ, तो इसमें भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह अगर नहीं रखोगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट कर रखा है, तो ये हमने एक्सेली पैसल लगाना था, तो वाई के साथ डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा चीजें सेंस हो गया। तो फेलू तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, एक बार उसको भी करके देख लेना, और कुछ स्टेप जो ये वाला स्टेप था ना, वो स्टेप मिस मत करना, वो मिस करोगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है, वो मिस करोगे उसके लिए भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसको सेंस कर दिया हूँ, अब देखो इसके डिस्प्लेसमेंट आपका सही मिलेंगे, ठीक है। प्लॉट कंट्रोल में जाके मैं यहाँ पे एनिमेट में जाता हूँ, एनिमेट में जाके डिफॉर्म रिजल्ट करके यूसम फैक्टर करके ओके कर देता हूँ, तो देखो अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, अब एक्सेल लगा रहा हूँ। अब इसको मैंने कैसे कर दिया,
देखो दोनों तरीके से पता होना चाहिए आपको, कहीं पे भी एक सेम चीज तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अब देखो ये मूव नहीं हो रहा है, अब जो है ये वाई अबाउट हो रहा है, तो इसको मैंने कैसे करा, इसको कैसे करने के लिए आपको मैं दिखा रहा था। दोनों तरीके से बता देता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट सही है तो डिस्प्लेसमेंट दे देता, अगर नहीं सही है तो मत देना, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा, यानी एंटिटी के बाद जाने के बाद क्या करूंगा, वाई फैक्टर, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालूंगा मैं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा हूँ, नोट वगैरह से एज इट इज सेम रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डिफाइन लोड में जाना है। जाने के बाद जो है, जैसे हमने क्या करा, ऑन नोट्स था ना, ऑन नोट्स में जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पर पी कॉल कर दूंगा, पी कॉल करने के बाद वाई दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखूंगा, यहाँ पे जीरो कर दूंगा, वाई रखना है, ठीक है इसको, तो यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे किस तरह से लग रहा है, अब लोड आपका सेंस हो गया। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट सोल्यूशन में नहीं जा सकते, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसको। पहले सॉल्व में जाऊंगा, करंट ट्रेस में जाऊंगा, जाने के बाद इसको ओके करने के बाद इसको सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन इज डन हो जाएगा। डन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है जनरल प्रोस्पेक्टेशन में, जो भी कंट्रोल प्लॉट मॉडल सिलेक्शन जो भी डालना है, यहाँ पे फैक्टर फैक्टर सम ओके कर देना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सम मैंने ओके कर दिया है। अब जाके आपको जहाँ पे, यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके, सीरीज सिमेट्री जाके, फुल एक्सपेंशन में जाके, जिसमें भी जाना है, 2D सिमेट्री एक्सपेंशन में जाके मैं यहाँ पे 3/4 कर देता हूँ, ठीक है। 3/4 करूंगा तो आप इंटरनली भी देख सकते हो, इसीलिए मैंने 3/4 कर लिया है। अब यहाँ पे जाके प्लॉट में जाओगे, प्लॉट में जाके यहाँ पे मल्टी प्लॉट करके आप सीधा एनिमेट में जाके, डिफॉर्म रिजल्ट में जाके, जिसमें जो भी सही है यहाँ वैल्यू डालो। देखो यहाँ पे जो 50 का मैंने वो दिया था ना, वो हटा दिया। अब देखो किस तरीके से ये प्रेशर लग रहा है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये हिलेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे हिलेगा नहीं, फिक्स सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर करेगा तो यहाँ पे क्या प्रेशर तो पड़ेगा ही। देखो यहाँ पे जो है ये फुल रहा है, इंटरनली फुल रहा है, यहाँ पे भी फुल रहा है, इस एरिया में भी फुल रहा है, लेकिन मैक्सिमम एक्सियली प्रेशर इस तरह लग रहा है। तो सिलिंड्रिकल जो आपका वो है, सिलेंडर है, तो कैसे प्रेशर बनेगा, तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लीट प्रेशर बनेगा। तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ भी बताया, नोट्स में अगर डिस्प्लेसमेंट देता हूँ तो क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट जा सकता है वो भी डाला, बिना डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको बता दिया, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं डालता हूँ तो उसमें क्या चेंजेस होगा, तो दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। और जो स्टेप्स है कुछ मिस मत करना, जैसे मेरा यहाँ पे सिलेक्ट जो है, मैंने नोट्स को डिवाइड नहीं करा था तो दिक्कत आता है, तो वो भी चीज़ आपको कर लेना है साथ में। और इस तरीके से बना सकते हो, और जैसे आपने क्या ब्लॉक ब्लॉक बना के भी बनाना है, रेक्टेंगल से भी बना सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, बाद में बुलियन करना पड़ेगा, ठीक है, बुलियन करके ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है, पॉइंटों में पॉइंट ऐड ऐड करके निकालना, निकाल के करना बहुत ज़्यादा ईजी है। उसमें भी क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल बना बना के करना पड़ेगा, लेकिन रेक्टेंगल का साइज निकालना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका ही है, आप इस तरीके से ही बनाओ। और एक चीज अब बनाओ, उसका कुछ अपने हिसाब से एक होमवर्क्स ले लो, होमवर्क्स लेके जो ये हमने ऑटोकैड में डाला है ना, तो इसकी साइज चेंज करो, थोड़ा सर्च करके आप खुद से बुला के देखो एक बार, क्या चीजें है, कितना एरर आ रहा है, क्या वैल्यूज आ रहा है, एक बार बना के जरूर देखो, इसमें भी आपको बहुत कुछ चीजें पता लग जाएगा, है ना। इसमें भी सॉरी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ऑटोकैड को, तो ये बना के जरूर देखो, इसमें भी आपको बहुत कुछ चीजें पता लग जाएगा, बहुत चीजें हैं। और इसके आगे एक और केस है, वो केस भी आपको मजा आएंगे। अब जो है मैं फ्रेम के ऊपर कराने वाला हूँ ना, पाइप के ऊपर कराऊंगा, वो इसके बाद जो है एपीडीएल में खत्म कर दूंगा पाइप के ऊपर करने के, ये जरूर कर लेना एपीडीएल में, ये सारे केस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछ सकते हो, जो भी चीजें पूछना है मैंने हर एक चीजें करके दिया ही है, क्योंकि ये एक मॉडल करा रहा हूँ, इसके साथ ऐसे नहीं करोगे तो दूसरा चीज कैसे करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट दोगे तो क्या सेंस होगा, रेक्टेंगल से बनाओगे तो क्या कर सकते हो, सब सारा चीजें मैं एक साथ बता ही देता हूँ, तो इसमें कोई डाउट रहने की चांस ही नहीं रहता है। कोई कोई लोग सोचते हैं ऐसे नहीं करोगे तो इसको ऐसे करूंगा तो क्या होगा, तो वो भी चीजें मैं बता ही देता हूँ कि जब भी करोगे आपको दिक्कत ना है, समझ में आ जाए चीजें, है ना। इसको हम प्लॉट को हटा देते हैं प्लॉट कंट्रोल में, तो जब तक आपकी जो रिजल्ट नहीं आएंगे ना, सॉल्व जब नहीं होंगे ना, तब तक आपको ये सब जो है प्लॉट कंट्रोल वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, प्लॉट रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप नहीं बना सकते हो, तो सॉल्व करना जरूरी है। तो एक एक सीट जो है देख लेना, कॉपी में लिख लेना, अगर कुछ स्टेप अगर ऐसे मिस हो जाता है ना, आप नहीं लिखते हो तो मिस हो जाएगा, तब उसके बाद गलती हो जाएगा आपको। तो जो जो चीज़ें मैंने कराया उसको एक बार कर लो, एक बार देख लो, और कॉपी में ये नोट डाउन कर लो कि ये किस लिए करा, ये किस क्या होता है, कभी जाओगे वो चीज़ें आपको पूछेंगे, तो एक बार देख लेना। आपका पाइप हो गया, बीम हो गया, ठीक है, स्ट्रास का हो गया, मतलब आपके ब्रिज का काम भी हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका बीम वगैरह भी काम होगा, घर पर काम कर, बीम में लोड पर लगाना है वो भी आपने कर लिया, आपने अभी सिलेंडर का भी कर लिया, अब आपका लग जाएगा पाइप, और पाइप के बाद जो है हम आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। पाइप के बाद अगर आपको डायरेक्ट करना है कोई बॉडी को, अगर बना के कुछ प्रोडक्ट्स में बना के या किसी सॉफ्टवेयर में बना के अगर इम्पोर्ट भी करना है ना, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या है, इम्पोर्ट करके करोगे उससे अच्छा वर्कबेंच पे कर लो, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, तो इसमें मत करो, इसमें क्या है बना बना के करने में आ जा होता है, ये बना बना के करने में ये राजा हो जाता है, तो
उसमें भी उसमें करना ज्यादा बेहतर होता है, इजी हो जाएगा आपके लिए इन फ्यूचर, आप उसमें ही करोगे। अब इसमें ये सब चीजें करना और उसमें भी कर सकते हो, वैसे नहीं है कि आप वर्कबेंच में भी कर सकते हो, लेकिन इसके वैल्यूज और वर्कबेंच के वैल्यू में डिफरेंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या है, प्रेफरेंस में गया, प्रेफरेंस में जाके मैंने स्ट्रक्चर ले लिया, उसके बाद मैंने प्रोसेसर में गया, एलिमेंट लेके मैंने एलिमेंट में क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, उसके बाद मैं एक्सिस सिमेट्री कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं रियल कॉन्स्टेंट नहीं है यहाँ पे, मेरा एक ही सेक्शन है। उसके बाद मेटल प्रॉपर्टीज में जाके जो भी मेटल्स था, पॉइजन रेशियो और जो यंग मॉडुलस था, वो मैंने फेलू यहाँ पे पुट करा। उसके बाद मैं सेक्शन में गया, सेक्शन में मेरा जो आ जाने के बाद यहाँ पे बीम सिम है नहीं, तो इसमें सेक्शन दिया नहीं मैंने। फिर मैं मॉडलिंग में गया, मॉडलिंग में जाने के बाद मैंने क्या करा, की पॉइंट में गया, की पॉइंट में जाके सारा जाके सारा की पॉइंट मैंने निकाल लिया, जो हमने पहले वैल्यू निकाल रहा था, जो एक एक करके जो ऑटो गेन में बना रखा था उसके हिसाब से मैंने वैल्यू डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैं जाके एरिया में गया, एरिया में जाने के बाद आर्बिट्रेरी थ्रू केपीएस में जाके सारा पॉइंट को सिलेक्ट करके एक एरिया बना लिया है ना। एरिया बनाने के बाद मैंने क्या करा, जो मैंने एरिया बना उसके बाद मैंने क्या करा, उसको जाके एरिया में जाने के बाद क्या कर दिया, उसके बाद उस एरिया को मैंने मैश कर दिया। ठीक है, एरिया को मैंने मैश कर दिया, एरिया मैश करने के बाद, ठीक है, उस एरिया को जैसे मैंने मैश करा, उस एरिया को मैश करने से पहले कि एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल को आपको क्या देना पड़ेगा, एरिया देना पड़ेगा ना मॉडलिंग को। तो हम जाके उसको रेक्टेंगल को क्रिएट में जाके इसको एरिया दे दिया, यहाँ पे जाके क्रू के पेज जाके उसको सिलेक्ट करके हमने एरिया दे दिया। ठीक है, उसके एरिया के देने के बाद हम इसको मैशिंग करेंगे। मैशिंग जो है आपको किस तरीके से कर सकते हो, मैशिंग जो है आप दो तरीके से कर सकते हो, सॉरी मॉडलिंग पे आगे, मैशिंग में जो है आप मैश टूल से भी कर सकते हो और मैश इधर से भी कर सकते हो, फ्री मैश करके करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम जो है मैशिंग दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से करना सही रहेगा कि उस तरीके से करना सही रहेगा। उसके बाद जो है हम कहाँ पे है, लोड में आगे। ठीक है, अब हम आएंगे लोड में आगे। लोड में आने के बाद हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अप्लाई लोड में जाएंगे, स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, एक्सिस सिमेट्री है तो यहाँ पे एक्सिस सिमेट्री बीसी लेके लाइन लेके दोनों की ए वाली पॉइंट और ए वाली लाइन को सिलेक्ट करके हम इसकी मैच दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाके यहाँ पे एंटिटीज में जाके हम क्या करना है, यहाँ पे वाई लोकेशन नोड्स डालना है, नोड्स की काम कर रहे हैं, लोकेशन वाई के अबाउट। ठीक है, वाई के अबाउट, वाई जो है इसके अबाउट घूमेगा तो वाई के अबाउट ही देना है आपको। ठीक है, फुल फॉर्म ओके कर दिया हमने इसको, एको करने के बाद क्या करा हमने, इसके बाद ओके करने के बाद हम क्या करें, उसके बाद ओके हो गया, उसके बाद जो है आपको देना पड़ेगा है अप्लाई में जाके यहाँ पे ऑन नोट्स में चला गया। ऑन नोट्स में चलाने के बाद हम इसको ऑल पिक कर दिए, करके हम इसको ओके करने के बाद क्या आता है आपको, ऑल पिक करने के बाद ओके करने के बाद एक बार मैं दोबारा लिख रहा था, पिक ऑल करके ओके करने के बाद वाई के अबाउट देना है। ठीक है, क्योंकि फिक्स होगा ये वाई डायरेक्शन में ये घूमेगा नहीं ना, ये फिक्स रहेगा, बाकी एरिया में घूम सकते हैं, तो हम वाई को जो है यहाँ पे फिक्स कर लेंगे जिसको भी करना है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डालना है तो डाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डालोगे तो कैसा चेंज होगा वो भी दिखा दिया मैंने, नहीं दोगे तो क्या चेंज होगा वो भी आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद जो है आपको क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर 1 MPa प्रेशर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रेशर पे जाके ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन जाके ये 1, 2, 3 जहाँ पे प्रेशर लगने वाला है हम 3 एरिया को सिलेक्ट करेंगे और जितना भी प्रेशर है हम इसको डाल देंगे। प्रेशर डालने के बाद आपका काम क्या हो जाएंगे, लगभग हो गया। उसके बाद आपको सीधा सीधा जाना है, उसके बाद आपको सीधा जाना है, जाने के बाद सॉल्यूशन में जाके इसको सॉल्व करंट क्लास कर देना है। ठीक है, सॉल्व करंट क्लास करने के बाद आपको जो जो चाहिए यहाँ पे जनरल प्रोस्पेक्टस में जाके रिजल्ट चाहिए, प्लॉट रिजल्ट चाहिए है ना, क्वारी रिजल्ट चाहिए, जो भी चाहिए प्लॉट क्लियर में जाके सब कुछ चीजें देख सकते हो। अगर मैं नोडल सिलेक्शन में जा रहा हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस 18 ये काम आता है तो ओके कर देता हूँ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ रही है तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो है ना। उसके बाद जो है अगर आप देखते हो कि मुझे इसका नहीं कोई दूसरे और एक का सही है तो जो भी सही है वैल्यूज यहाँ पे वन मैसेज स्ट्रेस वगैरह की भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना वन मैसेज स्ट्रेस वगैरह क्या होता है ये भी आता है, रुक जाओ नीचे आएगा आई गेस, ये रहा, ये भी आपका काम आता है, ये भी आपको फोन मैसेज स्ट्रेस का भी काम आता है। रुक जाओ मैं एनिमेशन को पहले बंद कर देता हूँ, कैंसिल। ठीक है, सॉल्यूशन फोन मैसेज, एक बार मुझे लगता है दोबारा से वो करना पड़ेगा, देखो फोन मैसेज स्ट्रेस में क्या आ रही। तो वहाँ पे हम जो है स्ट्रेस में कहाँ पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कितना SMN आ रहा है, SMX कितना आ रहा है, JMX कितना आ रहा है, सारा चीज़ यहाँ से भी पता लग जाएगा। तो आपको अलग अलग करने का या अलग अलग देखने का जरूरत तो है नहीं, सिंपली यहाँ से भी निकल सकते हो। ठीक है, तो स्टेप वगैरह मिस मत करना, एक एक चीज़ से मिस करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, किसी चीज़ से कुछ पूछना है, किसी के बारे में कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कैसे फाइल को सेव करना है, लास्ट आपने पूछे थे तो वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्टिव वगैरह जो है आपको अलग से
चेंज करना नहीं है, डायरेक्टरी को मैं क्या कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में रख देता हूँ है ना, और फाइल की जॉब नेम को मैं कर देता हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, वो क्लोज नहीं हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछ लेना, बाकी जो भी होगा हम बात कर लेंगे आपसे। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।